मगर तशरीफ लाए और हमारे साथ उन्होंने तशरीफ मुआहदा किया कि साहिल बलूचिस्तान को करेंगे, जो बॉर्डर का कारोबार है उसको आज़ाद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निपोले चारों का हर जाए वशो सलामत बाते मर्च मशमर अपडेट दया अक दो तेरी के मजन सरोक मोल हिदायत रहमान पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस से बारह अंच कुछ मत सर पदे चीजी वह दसहरी अक दो तेरी के सरोक मोल हिदायत रहमाना यक माया ग्वादरा धरना दातगत ओ बलूचिस्तान हुकूमत दीमा चीजी मुतालबा तेर को तगत अमे दरगत कुद्दूस बिजन जो अतगत अमूदा और ये मुतालबा तनी मन लगे वास्ता ये धरना खत्म कोत भले मर्ची पदा अक दो तेरी के मजन सरोक मोल ना दाए तो रामा ना कोहेटा प्रिंस कला बा प्रिंस कॉन्फ्रेंस करना गाय तो गोशा गाय के मनी धरना खत्म करना गुत्तो भले मनी मुआहदा अंग तक पूरा करना नबूतता ब्याह चार ने ये वीडियो देखे मोलना दाए तो रहमान छः गोशा गाय वीडियो चार के सारी अगर मैं चैनल नो के चैनल सब्सक्राइब ना कोता चैनल सब्सक्राइब बे कने ये वीडियो लाइक को शेयर बे कने सलामत बाते और हमारे साथ उन्होंने तहरीरी मुआहदा किया कि साहिल बलूचिस्तान को करेंगे, जो बॉर्डर का कारोबार है उसको आज़ाद करेंगे, जो क्रॉसिंग पॉइंट उन्होंने मुआहदे किए कि खोले जाएंगे गवादर के केच के मजबूत के वो खोलेंगे, मंशियात के अड्डे ख़त्म करेंगे, जो चेक पोस्टें गैर ज़रूरी चेक पोस्टें जो हमारे पानी के ऊपर हमारे स्कूलों में हमारे हॉस्पिटल में हमारे ग्राउंड में जो चेक पोस्ट है एफसी की कायम है वो हम हटा लेंगे, ये एग्रीमेंट में इसके मौजूद हैं और इसी तरह हमारे मुआहदात के अंदर शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिर डेढ़ महीने बाद ग्वादर के फिर ग्वादर पोर्ट को हमने दोबारा बंद किया कि ट्रालर माफिया ने कराची पोर्ट को बंद किया कि ये क्यों हमें साहिल बलूचिस्तान को ताराज करने नहीं दे रहे। तो उन्होंने हमारे खिलाफ कराची पोर्ट को 3 दिन के लिए ट्रॉलर माफिया ने बंद किया, तो उनके मुकाबले में माहिगीरों ने हमने ग्वादर पोर्ट को बंद किया 3 दिन, उनको बताया कि अगर तुम माफिया गैर कानूनी काम के लिए कराची तो हम अपने साहिल की हिफाजत के लिए फिर ग्वादर पोर्ट को बंद करेंगे, उसको हमने बंद करके भी देखा है। उसके बाद दोबारा हमारे साथ मुआहदा हुआ कि 15 दिनों में आपके मुतालबात हम मान लेंगे, तो 15 दिन और आज का दिन हुकूमत बलूचिस्तान इंतहाई नाहर नालायक हुकूमत है। बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा बदतरीन हुकूमत हमने नहीं देखा, ऐसा वजीर आला है हमारे इलाके से ताल्लुक रखता है, तो दिन को सोता है और रात को जागता है और लड़ते हैं आपस में, हमारे घरों में इतने बच्चे नहीं लड़ते जितने अपने वजारतों पे लड़ते हैं। लोग परेशान हैं, यहाँ पर माहिगीर परेशान हैं, यहाँ की माएँ सड़कों पर हैं अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए, लाखों नौजवान मंशियात का शिकार है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सहूलियात नहीं है, लोग सड़क दे रहे हैं। हमारे नाहल नालायक सूबाई हुकूमत, यहाँ ना हुकूमत है ना पोजीशन है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे सूबा बलूचिस्तान है, यहाँ बजट पेश होता है तो हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन उसकी तारीफें कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट पेश हुआ, क्योंकि सबके वारे न्यारे हैं, सबके अगले इलेक्शन के खराजात पूरे होने जा रहे हैं। अगले इलेक्शन में जो कमीशन पाएंगे 1 अरब में 50 करोड़ ये खाएंगे, इसलिए अपोजिशन अपना मुंह बंद किया हुआ है। वो जो बकरात और सुकरात होते थे आज ना फरास की मिसाल देते हैं, ना ट्यूनस की मिसाल देते हैं, ना स्विट्जरलैंड की मिसाल देते हैं, वो बकरात और सुकरात बिल्कुल मुंह पे ताला लगा कर बेजो साहब की हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं। रेकोटेक के वायदा हो गया, इनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, या बदतरीन करप्शन है उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, या कमीशन पूरी बदतरीन है मुंह में ताले लगे हुए हैं, माएँ हमारी माएँ तक हमारी औरतें तक उठाई गई।